बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत जगहों पे खाई होगी, बहुत सारी वेरिएशंस हैं और ये मेरे जब पार्टी ऑर्डर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती है, तो मैंने सोचा आज ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो है बलूची तिक्का कढ़ाई। इसको तिक्का कढ़ाई भी कहते हैं, बलूची कढ़ाई भी कहते हैं। तो इसके दो तीन वेरिएशंस हैं, आज आप मेरे स्टाइल में इसको सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम हमारी रेसिपी शुरू कर रहे हैं, बलूची तिक्का कढ़ाई। देखिए, वैसे कढ़ाई में हम हमेशा छोटे पीसेज आप लोगों ने देखे होंगे मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये तिक्का कढ़ाई है तो इसलिए मैंने इसके जो हैं वो 12 पीसेज लिए हैं। 1.5 किलो की चिकन है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। अच्छा सा नमक डालेंगे ताकि ये अंदर तक पेनिट्रेट करें। इन दोनों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह देखें, करने से ये होता है कि इस पर एक कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसको बस हम 5-10 मिनट जो है इसको मैरिनेट करते हैं ताकि नमक जो है इसके अंदर तक चला जाए, और फिर इसको फ्राई करने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक स्टेप करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी जी। इसको मैरिनेट करते हुए तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसमें जो है वो 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो है इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो है ये पानी समेत ही फ्राई होगी चिकन, और चूल्हा जो है वो तेल का मैंने अभी जलाया नहीं है। अब मैं ऑन करूँगी और इसको जो है फिर इसको फ्राई करेंगे हम। अच्छा, हमने जो है इसमें ये करा है कि पानी समेत ही इसको डाला है फ्राई करने के लिए, इसलिए इसकी वजह ये है कि ये जो है इसमें बहुत देर तक फ्राई करना है हमें। सारी जो चिकन की टेंडरनेस है वो इसी में होगी। अगर हम तेल गरम करके ये पानी समेत डालते तो ये बहुत उछलता और ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे मुंह पे आता। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ इसका ख्याल रखें, पानी के साथ हम इसको डालेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब हम इसको थोड़ी देर फ्राई करते हैं, जब ये पानी इसका खुद का खुश्क हो जाएगा फिर ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और आगे के स्टेप करते हैं। अच्छा, देखें ये फ्राई हो रही है चिकन, इसका पानी जो है वो अलग हो रहा है, और जब ऑयल रह जाएगा तो ये अच्छा से इसके ऊपर क्रिस्प ब्राउन कलर आ जाएगा और ये अच्छी तरह से गल जाएगी और ये कड़क भी नहीं रहेगी। तो जब तक ये गलती है थोड़ा सा ये टाइम लेगी, बिकॉज़ के ये जो है बड़े पीसेस लिए हुए हैं मैंने, कढ़ाई बलूची तिक्का है इसलिए मैंने इसके बड़े पीसेस रखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो इसको हम कवर करते हैं और इसको पकने के लिए रखते हैं। ये देखें, हम इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गई हैं। इसका सारा पानी जो हमने डाला था इसमें वो सारा हट गया है। अब ये पूरा जो है ऑयल में फ्राई होगा और आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। ये मज़ीद 10-15 मिनट फ्राई होगा, ये सारी चिकन जो है इसी के अंदर टेंडर होगी। देखिए, हल्का हल्का सा कलर आया है लेकिन अभी मज़ीद और कलर हमें चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पर मैं तकरीबन 6-7 टेबल स्पून के करीब गार्लिक डाल रही हूँ, ये भी इसी के साथ फ्राई होता रहेगा। और 2 टेबलस्पून के करीब मैं अदरक डाल रही हूँ। देखें, फ्रेश लेना है और बारीक चॉप्ड करना है। इसको भी इसी के साथ फ्राई करते रहेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं यहाँ पे 10 से 15 जो है हरी मिर्चें ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें डालने के ना फ़ौरन बाद इस पर ढक दीजिएगा, इसलिए कि ये फटेंगी ना। इसको 10-15 मिनट और फ्राई करते हैं। अब इन द मीन टाइम, जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, हम कढ़ाई का मसाला बना लेते हैं, जो कि इस तरह से है कि इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के मोटा कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, ठीक है, 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच के करीब भुना कुटा जीरा, मैंने 1 चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अगर आप कम या ज़्यादा, आपके घर में जिस तरह से मिर्ची खाई जाती है आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कोई भी पैकेट का कढ़ाई मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल दें, ठीक है। और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाली है। इन सबको हम मिलाएंगे। ये हमारा एक इंस्टेंट कढ़ाई मसाला यूज़ हो गया है। मैंने, आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, इसलिए कि हमने चिकन में भी थोड़ा सा डाला था, कढ़ाई मसाले में भी थोड़ा सा होता है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम आखिर में इसको जो है वो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और फिर नमक एडजस्ट करेंगे। अच्छा, देखें, ये इसको जो है हमने लहसुन अदरक और मिर्चें डालने के बाद भी तकरीबन 15 मिनट फ्राई किया है। वक्फे वक्फे से हमको इसको चलाते रहना है।
और देखें आप बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ, आप देखें इसमें से इसने जो है हड्डी जो है वो छोड़ दी है, ये गलना शुरू हो गया है। देखें बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा गल गया है, देखें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल गल गया है अच्छा सा। तो इसको हम निकालते हैं, ये सारा लहसुन भी आप देखें ये सारे इसी के साथ हम छलनी में निकालते हैं इसको, और फिर मैं आपको आगे के स्टेप बताती हूँ। अच्छा देखें हमने तेल इसका छान लिया, उसी तेल में से हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और अब हम इसमें जो है वो तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब दही डाल रहे हैं, और इसके साथ ही हमने जो कढ़ाई का मसाला बनाया था ये डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा भुनेंगे। अच्छा ये देखें आपको यहाँ पे इसका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ लगा होगा, और आई एम श्योर कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट लगेगा। तो अब ये जो हमने यहाँ पर चिकन हमारी फ्राई करके निकाली थी, देखें इसमें कितना अच्छा लहसुन अदरक और मिर्चों का कलर आया है, ये सारा हम डालेंगे इसके अंदर, इसको अच्छा से एक टॉस देंगे। बस अब सारी हमारी चिकन तैयार है, सिर्फ हमें इसको एक टॉस देना है। अच्छा ये देखें इसमें मैंने 1 लेमन की स्लाइसेस जो हैं इसकी पतली पतली वेजेस काट ली हैं, ये भी हम डालेंगे, और हम इसमें जो है 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डालते हैं, और बस इसका चूल्हा बंद करते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा चटपटा सा इसका टेस्ट आएगा, धनिया से गार्निश करेंगे, बिल्कुल ये ड्राई ड्राई होता है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें जो है मैंने 3 टेबलस्पून दही डाली थी, आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन ये ऑथेंटिकली जो है वो इसी तरह से होता है और अच्छा भी यही लगता है। अच्छा इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखिए कितनी झटपट से तैयार हो जाने वाली डिश है, फ़ौरन बन गई है, मसाले भी थोड़े से हैं और टाइम भी नहीं लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हैं आपकी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी और बहुत अच्छी रेसिपी में मिलेंगे। Till then, take care. Allah Hafiz.